This is the most reliable launch vehicle of ISRO. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क होर्स. सो करंट अफेयर्स, आज हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे. एक जो न्यूज में था लास्ट वीक, दैट इज SSLV, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दूसरा न्यूज में था SSLV के बाद में एक ये लिमिट, ये प्रिलिम्स में पूछ सकते हैं. ओके, हैफलिक लिमिट ये क्या होती है इसको देखेंगे. और एक और टॉपिक था, अनफॉर्चुनेटली आई फाउंड ओनली टॉपिक विच आर मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बाकी और कोई से टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट लगे नहीं, या दे आर अंडर कंसिडरेशन लाइक सम ऑफ द जजमेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वीक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. तो जैसे ही वो जजमेंट आएंगे हम डिस्कस उसको कर लेंगे. ठीक है, तब तक के लिए यही साइंस एंड टेक के टॉपिक हैं. फिर एक टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, दैट वॉज इन द न्यूज बिकॉज समवन हैक्ड ट्रंप एंड इलोन मस्क्स इंटरव्यू. ओके, जो इंटरव्यू था उसको हैक कर लिया था, एंड दैट इंटरव्यू रिलीज्ड आफ्टर 40 मिनट्स, जो शेड्यूल टाइम था उसके बाद में वो आया. ठीक है, एक ये है. और एक सबसे लास्ट में जो टॉपिक है डिस्कस करने का वो है, डू इंडिया हैव लॉज ऑन द मोमेंट ऑफ द बैलास्ट वाटर. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है बैलास्ट वाटर. आपने ये न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, वॉट इज बैलास्ट वाटर? ये डायग्राम देख के आप सब सारा समझ जाएंगे. दिस इज द कार्गो शिप. व्हेनेवर इट इज लोडेड इट इज सबमर्ज्ड. ओके, बट व्हाट व्हेन इट इज अनलोडेड? तो ये फिर जैसे ही अनलोड करेंगे तो ये ऊपर आएगी या नहीं आएगी? लेकिन जैसे ही ऊपर आएगी तो प्रॉब्लम होगी. तो जैसे ही इसको अनलोड करते हैं तो इसमें वहीं के ओशियन का बैलास्ट वाटर डाल देते हैं. जैसे जैसे अनलोडिंग होती जाएगी वैसे वैसे बैलास्ट वाटर, जो भी नियर बाय ओशियन जहां पे भी पोर्ट है वहां का जो पानी है समंदर का वो इसमें भर देते हैं, ताकि ये फ्री फ्लोट नहीं करने लगे. ठीक है, इसको बोलते हैं बैलास्ट वाटर. ओके, तो लोडिंग ऑफ बैलास्ट वाटर एट द सोर्स पोर्ट, क्योंकि यहां से ये शिप खाली जा रहा था तो वहां से लोड कर दिया, ये कहीं और गया. बैलास्ट टैंक फुल ड्यूरिंग द वॉयज, बैलास्ट टैंक फुल है. फिर तीसरा, डिस्चार्जिंग बैलास्ट वाटर. क्यों? क्योंकि वहां पर आपने क्या किया, वहां पे लोडिंग कर दी. अब लोडिंग कर दी तो वो जो पानी आपने भरा था बैलेंस के लिए उसको निकालना पड़ेगा. मतलब एक समंदर का पानी, सपोज दिस पोर्ट लाइज इन इंडियन ओशियन एंड दिस पोर्ट लाइज इन अटलांटिक ओशियन. सो बेसिकली यू आर कैरिंग इन द वाटर ऑफ इंडियन ओशियन टू द अटलांटिक ओशियन. सो यू आर नॉट ओनली कैरिंग वाटर, यू आर कैरिंग मेनी स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन द इंडियन ओशियन टू द अटलांटिक ओशियन. और जब भी कोई ऐसी नॉन नेटिव स्पीशीज कहीं पे आती जाती हैं, देयर आर हाई चांसेस दैट दे कैन बिकम इनवेसिव स्पीशीज, बन सकती हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज इनवेसिव स्पीशीज? जिसको बोलते हैं ना एलियन इनवेसिव स्पीशीज, आज हम पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में. सो बेसिकली यू आर नॉट कैरिंग द बैलास्ट वाटर ऑफ इंडियन ओशियन टू द अटलांटिक ओशियन, यू आर कैरिंग मेनी ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंडियन ओशियन टू द अटलांटिक ओशियन विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द अटलांटिक ओशियन. यस ओ नो? दे आर एलियन टू द अटलांटिक ओशियन. अब ये वहां के ओशियन जो इकोसिस्टम है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, which can have negative impact on the species of the Atlantic Ocean.
यस और नो? यस, ओके। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो इससे रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू बेलास्ट वाटर। व्हाट इज बेलास्ट वाटर? यू नो, व्हेनेवर शिप इज अनलोडिंग इट स्टार्ट्स फ्री फ्लोटिंग। यस, टू स्टॉप दैट फ्री फ्लोटिंग, टू स्टॉप दैट फ्री फ्लोटिंग आप करते क्या हो, उसमें बेलास्ट वाटर डाल देते हो। जैसे कि यहां पे आपने किया, उसमें आपने बेलास्ट वाटर डाल दिया, ये अनलोड हुआ। फ्री फ्लोट से बचने के लिए आपने क्या किया, उसमें बेलास्ट वाटर डाल दिया, तो वो शिप, जो शिप थी वो स्टेबल रही। नाउ दिस शिप इज गोइंग फ्रॉम इंडियन ओशियन टू अटलांटिक ओशियन, एंड वेयर कार्गो इज लोडेड ऑन दिस पर्टिकुलर शिप। अब वो बेलास्ट वाटर आप निकालोगे नहीं तो शिप डूब भी सकती है। सो नाउ इट बिकेम नेसेसरी फॉर यू टू मूव आउट दिस वाटर फ्रॉम द शिप। तो यहां के ओशियन का पानी यहां आ गया, समझ रहे हो ना बात को? तो सिर्फ ये पानी नहीं आया, इसके साथ क्या आ गई, स्पीशीज भी आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं बेलास्ट वाटर। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये आर्टिकल एज इट इज ही आपके काम आ जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। बेलास्ट वाटर, शिप नीड्स टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ इमर्जन इनटू द सी टू बी स्टेबल। व्हेन अ शिप डिस्चार्ज कार्गो इट राइजेस अप इन द वाटर एंड देयरफॉर टू कीप मिनिमम लेवल ऑफ इमर्जन शिप स्टाफ टेक अ सी वाटर कॉल्ड बेलास्ट वाटर इनसाइड द टैंक इन द शिप। ये इसकी डेफिनेशन है, ये बेलास्ट वाटर है। व्हाई इट वाज इन द न्यूज? बिकॉज तमिलनाडु वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट, तमिलनाडु WRD has informed the National Green Tribunal that it has sought 160 crore, कितना? 160 crore as a compensation from the Kamarajar port in Ennore. Kamarajar port है? तमिलनाडु में है ना? Major port है, first corporatized port of India, है ना? तो कामराजा पोर्ट से मांगा टू फैसिलिटेट द रिमूविंग ऑफ द इन्वेसिव मसल ऑन द कोस्ट नियर द पोर्ट। ठीक है, तो वहां पे जो बेलास्ट वाटर लेकर के आए उसकी वजह से एक इन्वेसिव स्पीशीज वहां पर आ गई। ठीक है, और उस इन्वेसिव स्पीशीज का क्या नाम है, यहां पे कहीं पे लिखा होगा, बताता हूं। बेलास्ट वाटर के कॉन्सेप्ट समझ गए, बेलास्ट वाटर क्या है। Why it was in the news? Because तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट sought 160 crore as a damage from the कामराजा port. Why? Because बेलास्ट वाटर carried some invasive species. अब वो invasive species का नाम क्या है? वो invasive इस टाइप की बहुत सारी species होती है, like zebra mussels, dinoflagellates. इसके बारे में direct question आया हुआ है, dinoflagellates के बारे में films में पूछा हुआ है direct. शायद 22 या 23 में ही पूछा है अभी। ओके, रोपा वेल्स, यूरोपियन ग्रीन क्रैब लार्वे, यूरोपियन ग्रीन क्रैब्स, ऑल दीज स्पीशीज आर इनवेजिव स्पीशीज, और ये यहां से वहां बेलास्ट वाटर के थ्रू चली जाती है। ठीक है, नाउ बेलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है एनफोर्स्ड बाय द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2017। These are factual aspect. Concept तो ballast water का समझ गए, ठीक है? क्यों news में था? वो समझ गए। ये article mains के लिए नहीं है, ये prelims के लिए बस, ठीक है? So aims to prevent क्या है? Ballast water management convention. और इसको कौन enforce करता है? International Maritime Organization. To spread harmful aquatic organism and pathogens through the ship ballast water. तो एक special convention है किसके लिए? बेलास्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, बेलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, और कौन एनफोर्स करता है? इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। शिप मस्ट नाउ मैनेज देयर बेलास्ट वाटर टू रिमूव और न्यूट्रलाइज दिस ऑर्गेनिज्म बिफोर डिस्चार्ज इन द न्यू लोकेशन। बिकॉज हमने देखा कि वो इंडियन ओशियन से बहुत सारी स्पीशीज को कहां ले गया, अटलांटिक ओशियन, या अटलांटिक ओशियन से बहुत सारी स्पीशीज कहां ले आएगा, इंडियन ओशियन, एंड दे कैन बिकम इनवेसिव स्पीशीज इन दिस पर्टिकुलर रीजन।
and they can be harmful for the entire oceanic ecosystem of this particular location. That has been witnessed by Tamil Nadu Water Resources Department. And that's why they sought compensation from the Kamarajar Port. Yes? So, newly built ship with ballast water management system treats the water with the chemicals to eliminate the biological organism. जैसे ही वो ballast water पहले release करेंगे, उसके पहले उनको chemicals से उसको treat करना होगा. It is their duty. Older ships without such system are required to exchange ballast water taken at the port with the neutral oceanic water during their journey. As of July 2024, 97 countries have signed the Ballast Water Management Convention of IMO. But India is not among them. This can be asked. India is not one of the country, which means foreign ships or many of the traders or shipping companies can easily bring ballast water in Indian oceanic region. And they are also bringing many of the invasive species in the Indian Ocean region. And now these species are becoming invasive. And they are threatening our oceanic ecosystem. Yes or no? So this is the first step, we can say, that Tamil Nadu, WRD, took the first step. Ho sakta hai, in the future, that central government will sign this particular convention to stop this process. Yes? Kyunki ye abhi India mein iska koi regulation nahi hai. Why? Kyunki India abhi signatory nahi hai. To jo bhi ships hoti, chahe foreign ships ho ya domestic ships ho, unko ye regulation follow hi nahi karna hai. Wo easily la rahi hai, kaam chal raha hai. To wo to pehli baar news mein aa gaya. Samajh gaye baat ko? Kya kya point hai? Pehla, Tamil Nadu government ya Tamil Nadu WRD imposed 160 crore. वहां पे बोलिए जाके तमिलनाडु WRD imposed 160 crore as a damage on Kamarajar Port. First thing. Second, Ballast Water Management Convention of IMO of 2017. Recently sign हुआ है, ज्यादा time नहीं हुआ है. 94 countries are signatory. India is not one of the member of this convention. ठीक है, इतना याद रखना है. Okay. While Indian port enforce other rules such as related to oil, लेकिन ये वाला जो ballast water convention का है, ये इसको लेकर के इंडिया में कोई रूल नहीं है. ये वाला invasive species वहां पे देखा गया, जिसको बोलते हैं चारु मसल या मिटेला स्ट्रीगर्टा. डायरेक्ट नाम पूछ सकते हैं, अब इसका कोई ट्रिक आपको याद करना हो तो कर लो, ठीक है. लेकिन ये डायरेक्ट नाम पूछे हुए हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, डाइनोफ्लेगलेट्स. तो ऐसे डायरेक्ट वो जीनस या फैमिली का नाम पूछ लेते हैं. अब इतना डेप्थ में हम बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो है, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है जिसका नाम है चारू मसल या मिटेला स्ट्रीगेटा, स्ट्रीगेटा या स्ट्रीगाटा. ओके, द चारू मसल मिटेला स्ट्रीगेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेसिव स्पीशीज दैट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल थ्रेट नेटिव टू, ये भी आ सकता है कि चारू मसल इज द नेटिव टू साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिकन पोर्ट से वो हमारे यहाँ आ गया. द चारू मसल हैज स्प्रेड टू द अदर रीजन इंक्लूडिंग द कोस्ट नियर कामराजार पोर्ट इन एन्नोर तमिलनाडु इंडिया. द स्प्रेड ऑफ दिस स्पीशीज इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द ब्लास्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द शिप विच इज नॉट एडिक्वेटली रेगुलेटेड. चारू मसल पोजेस अ सीवियर थ्रेट टू द मरीन इकोसिस्टम, इट रीप्रोड्यूसेस क्विकली. कोई सी भी स्पीशीज जो रिप्रोड्यूस करेगी बहुत ज्यादा, है ना, तो वो बाकी जो स्पीशीज होगी उनको आउट कॉम्पीट कर देगी ना, क्योंकि इकोसिस्टम में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे आर लिमिटेड. तो कॉम्पिटिशन में जो जिसका भी रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा वो बाकियों को आउट कॉम्पीट कर देगा. एंड स्पेशली व्हेन दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज नॉन नेटिव, देन इट बिकम्स इनवेसिव स्पीशीज. तो पहली जो कंडीशन होती है किसी भी स्पीशीज का इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बनने के, IAS, ओके, तो वो क्या होती है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी
non-native species like Chabu mussel, which is native to, not native to India. First thing. Second thing, it reproduces quickly. Thereby, it is out-competing the other species of that particular region. This is the second condition. Third condition hoti hai, ecological resilience of this particular species. Koi sa poda wo mar hi nahi raha hai. Usko drought prone area mein bhi laga diya, lekin usme badhiya phal aa rahe hain, phool aa rahe hain, wo chal raha hai. Bataunga abhi main, dikhaunga aapko bahut sare paude aise. Theek hai? Usko pani nahi mil raha hai, phir bhi wo chala ja raha hai. That will definitely outcompete other species. Kyunki jitne bhi resources the, sare usi ne de diye. Like eucalyptus. वो प्लांट आसपास का बहुत ज्यादा पानी सोख लेता है और उसमें से कुछ हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं विच इज हार्मफुल फॉर अदर वी कैन से फॉरेस्ट और अदर प्लांट्स. तो आसपास कोई सा पौधा बचेगा नहीं, सिर्फ क्या रह जाएगा, यूकेलिप्टस. बाकी सब खत्म हो गए. ऐसा होता है, आपने यूकेलिप्टस के आसपास बहुत ज्यादा आप पेड़ देखेंगे नहीं क्योंकि वो एक हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है. जब भी वो नेक्स्ट टाइम न्यूज में आएगा हम उसको ले लेंगे कि वो कौन सा केमिकल रिलीज करता है. ठीक है, नेक्स्ट. सो इट रिप्रोड्यूसेस क्विकली एंड फॉर्म्स डेंस कॉलोनीज विच कैन आउट कॉम्पीट नेटिव स्पीशीज. दिस कैन लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेटिव स्पीशीज, चेंजेस इन देयर हैबिटेट स्ट्रक्चर एंड रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द डेंस कॉलोनी ऑफ मसल हिंडर द मूवमेंट ऑफ द फिशिंग बोट्स affecting the livelihood of local fishermen. ये ऐसा बन जाता है. So what are the consequences or negative consequences of alien invasive species? क्या क्या होंगे? Ecological है that any of the alien invasive species will lead to the ecological destruction, changing of habitat structure, loss of biodiversity. But it also has some social consequences. Positive to kya hi hoga iska, hai na? Social consequences such as they hinder the movement of the fishing boat. They are directly affecting the livelihood of many small fishermen. Bol sakte hain, to uska economic consequence bhi hai, social consequence bhi hai, apart from ecological consequences. ठीक है, तो वो तो जो न्यूज में था वो हमने देख लिया. Ballast water. Ballast Water Management Convention, उसकी वजह से क्या आया? Chabu mussel, Mitela, क्या नाम है उसका? Mitela strigata, yes? और Mitela strigata is native to South America, है ना? ये सारा हमारा हो गया, और ये अभी कहाँ पे invasive हो गया है? Kamarajar Port, तमिलनाडु, we can say Coromandel Coast, है ना? वहां पर अभी ये इनवेसिव हो गया है. ठीक है, अब ओवरऑल एलियन इनवेसिव स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवेसिव स्पीशीज रेफर टू नॉन नेटिव स्पीशीज. व्हेन इंट्रोड्यूस टू न्यू एनवायरनमेंट दे कैन कॉज हार्म टू द इकोसिस्टम, इकोनॉमी एंड ह्यूमन हेल्थ. दीज स्पीशीज ऑफन आउटकम्पीट, नेगेटिवली इंटरेक्ट विद द नेटिव स्पीशीज, डिसरप्ट नेचुरल प्रोसेसेस एंड कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल imbalance. They can be plant, animal, fungi, even other microbes. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, like giant African snail, it is also a one type of invasive alien species. Characteristics क्या होती हैं? Non native, हो ही गया. Rapid reproduction. Third, lack of predator. ठीक है, यदि उनका प्रेडेटर वहां पे होगा ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी? इनवेसिव बन जाएंगी. ठीक है, सपोज आपका क्या होता है, हिरण बोलते हैं ना, या स्टैग बोलते हैं, है ना? तो हिरण या स्टैग जो होता है, इसका नेचुरल प्रेडेटर क्या होता है? या तो लेपर्ड होता है, या लायन होता है, या टाइगर होता है, या समथिंग लाइक दिस. अब यही नहीं बचेंगे तो हिरण बहुत ज्यादा हो जाएंगे, होगा ना ये? क्योंकि इनके नेचुरल प्रेडेटर हैं यहाँ पे. नेचुरल प्रेडेटर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. नेचुरल प्रेडेटर नहीं होंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनकी तादाद बढ़ जाएगी. जैसे ये बढ़ेंगे, दे विल हार्म नेचुरल इकोसिस्टम और नॉट, दे विल डैमेज फॉरेस्ट, दे स्टार्ट्स डैमेजिंग क्रॉप्स एज वेल.
और इससे पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो नेचुरल प्रेडेटर का होना जरूरी है। इसीलिए ये जो फूड चेन में सबसे टॉप पे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीशीज, दोज हु आर प्रेजेंट एट द टॉप। एक और एग्जांपल से समझिए आपने, व्हाई देयर आर सो मेनी स्ट्रे डॉग्स? कुछ नया हुआ है? क्या हुआ है बताओ? अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि स्ट्रे डॉग्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। What is the reason? Although stray dogs are native, है ना? They are not non-native, so they are not alien invasive species. But still, we are witnessing the proliferation of stray dogs and their menace. Yes or no? Reason क्या है इसका? Ecological balance कहीं ना कहीं बिगड़ा होगा, लेकिन कैसे बिगड़ा? कोई बताएगा? ये तो हमारे आसपास हो ही रहा है, पता होना चाहिए क्या हुआ ऐसा कि अचानक से स्ट्रे डॉग लगभग हर सिटी की एक दिक्कत हो गई है। स्ट्रे डॉग्स, रीजन डॉग लवर्स हैं क्या उसके पीछे रीजन? लाइक तो उससे तो डॉग्स भी तो मरी जाएंगे ना, वो कहां से बचेंगे? नहीं अभी ये नहीं है, इवोल्यूशन हैज नॉट दैट मच रोल। रिसेंटली वी आर विटनेसिंग अ फिनोमेना दैट इज डिक्लाइनिंग द नंबर ऑफ आपका जो गिद्ध होते हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वल्चर्स। इंडिया में बहुत टाइप के वल्चर्स हैं एंड नाउ मोस्ट ऑफ देम वल्चर्स बिकेम critically endangered. Why? Because of the use of diclofenac. Diclofenac is a painkiller. हम भी खाते हैं इसको और ये जानवरों को भी दी जाती है। The point is diclofenac अभी human consumption के लिए allow है, but it is banned in the animal, for the animal use in the veterinary sector. Why it has banned? Because एक animal को आपने diclofenac दिया, है ना? Suppose एक गाय या भैंस है, now death हुई इसकी, now who will eat this? Vultures. So basically diclofenac is reaching to the vulture and diclofenac is creating heart attacks in the vultures. तो इसका इतना ज्यादा यूज हुआ कि वल्चर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच गए। नहीं तो इंडिया में 5 से ज्यादा वल्चर्स की स्पीशीज मिलती हैं एंड मोस्ट ऑफ देम बिकेम क्रिटिकली इंडेंजर्ड। व्हाई? इंडिया के पास लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है एंड वी आर यूजिंग डाइक्लोफेनक इन फॉर ईच ऑफ द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। और वो मरेंगे तो हम उनको कोई दाह संस्कार तो होता नहीं है, होता क्या है? कहीं पे भी ले जा करके फेंक देते हैं और वहां कौन आएंगे? वल्चर्स। दे आर ईटिंग द डेड बॉडीज ऑफ दोज वल्चर्स एंड विच इज लीडिंग टू द डिक्लाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वल्चर। सो बिकॉज ऑफ द सिंगल केमिकल पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इससे सिर्फ वल्चर्स की ही पॉपुलेशन कम नहीं हुई, इससे क्या हुआ कि आपने देखना भी हो तो वीडियो देखना कि वल्चर्स जब किसी भी डेड बॉडी पे अटैक करते हैं विद इन अ मिनट वो पूरा खत्म कर देते हैं। किसी के पास मौका बचता ही नहीं है कि वो कुछ उसमें से थोड़ा नाश्ता कर ले। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो डेड बॉडीज ऐसी ही पड़ी हुई हैं। हु विल ईट दोज डेड बॉडीज? एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये रीजन बता रहे हैं। तो पूरा एक केमिकल से कैसे इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हुआ? वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ गई एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स रेबीज के केसेस बढ़ गए।
एंड वेबीज इज द 100% हैविंग 100% फर्टिलिटी रेट, और उसकी वजह से क्या हो गया, इंसान मर रहे हैं। तो एक केमिकल ने पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ दिया, और ये उस स्पीशीज के साथ है विच इज नेटिव, विच इज नॉट एलियन इनवेजिव स्पीशीज, विच इज नेटिव टू दिस पर्टिकुलर लैंड, बट बिकॉज ऑफ द वन केमिकल द एंटायर इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड। तो जब एलियन इनवेजिव स्पीशीज आएगी तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है, चाहे तो ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल डाइक्लोफेनक का, दैट वॉज ऑल्सो आस्क्ड बाई यूपीएससी, द यूज ऑफ डाइक्लोफेनक इज बैंड इन इंडिया इन एनिमल यूज। आप बहुत सारा जो भी आप पेन किलर लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम पे मेडिकल स्टोर से, तो आप देखना उसके वहां पे डाइक्लोफेनक लिखा होगा, स्पेशली वो जो स्प्रे टाइप के जो आते हैं ना, वॉलिनी या जो आप छीट लेते हो, उस पे डाइक्लोफेनक आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि वो पेन किलर ही होता है। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटररिलेटेड। यूज ऑफ डाइक्लोफेनक डायरेक्टली लीडिंग टू द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स एंड डेड बॉडीज आर लेफ्ट फॉर द डॉग्स, which led to the proliferation of stray dogs. So entire ecosystem has been disturbed because of one particular diclofenac. Hata do isko. Next, ecological tolerance. Inke paas tolerance capacity bahut hoti hai. A wide range of environmental adaptability allows them to thrive in the diverse conditions such as tolerance to the extreme temperature and pH level. Invasive species can alter ecosystem processes such as nutrient cycling, fire regimes, leading to the changing in habitat structure and biodiversity. क्या होता है invasive alien species, हमने देख लिया। These are some of the examples and they are becoming ecological threat in India. है ना? तो इनका कुछ का नाम आपको पता होना चाहिए, ये कहां के नेटिव से हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का सेक्शन है वहां से कॉन्सेप्ट्स आना बंद हो गए हैं। वहां से वो क्या पूछ रहे हैं, सीधा स्पीशीज के नाम पूछते हैं, उनके फैमिली का नाम पूछते हैं या बायोलॉजिकल नाम पूछ लेते हैं, और उसमें फिर क्या पूछते हैं, नेटिव स्पीशीज कहाँ का है। तो कुछ ऐसी एलियन इन्वेजिव स्पीशीज मैंने यहाँ पे बता दी है विथ गुड पिक्चर्स, तो थोड़ा मेमोराइज कर सको तो कर लो। पहला, ये तो आपने नाम सुना होगा, लैंटाना कैमरा। लैंटाना कैमरा इज हाईली इनवेसिव श्रब्स दैट फॉर्म्स द डेंस थिकेट्स एंड आउट कॉम्पीटिंग द नेटिव वेजिटेशन। इट इज फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में भी स्पेशली इन नीलगिरी, है ना, नीलगिरी जहां पे वो है ना आपका शोला फॉरेस्ट वहां पर। So it is becoming invasive to Shola forest of Nilgiri. Native to tropical and subtropical region of the Central and South America or West Indies and Mexico. तो ये native कहाँ का है और ये कहाँ पे invasive हो रहा है, दोनों चीजें important है। First, Lantana camara. Second, water hyacinth. That is, अब इसको क्या पढ़ेंगे बता दो मुझे, हाँ, Icornia crespis, aquatic plant proliferates forming the dense mats. ये ऐसा होता है ना, lakes में ऐसे फैल रहा है। ये कहाँ का native है, Amazon River Basin in the South America. ठीक है, second हो गया water hyacinth, third Prosopis juliflora, that is विलायती कीकर, इंडिया में एक अलग नाम है। ये वाला पेड़ आपने देखा होगा, ये आप डेजर्ट इकोसिस्टम में भी जाओगे तो दिख जाएगा, जहां कोई सा पेड़ नहीं है ये बढ़िया एकदम है ना हरा भरा आपको दिखता रहेगा, विच इज नथिंग बट द साइन ऑफ एलियन इनवेसिव स्पीशीज। ओके, इनवेसिव प्लांट दैट स्प्रेड रैपिडली लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ नेटिव इकोसिस्टम फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन अक्रॉस इंडिया। Prosopis juliflora ऑल्सो नोन एज मेस्क्वाइट, क्या है यार ये मेस्क्वाइट,
is a shrub or a small tree that native to Mexico, Central and South America. ठीक है. Third, fourth, needle bush. Origin from South America. It is distributed throughout India. It is found in thorny scrub and dry degraded forest. Needle bush. कहाँ का है? South America. Then black waffle. Origin कहाँ का है? ये ऐसा दिखता है. Southeast Australia and distributed throughout India. It was introduced for afforestation in the Western Ghat. हाँ. तो second चीज क्या है? कि आप कुछ अच्छा करने भी जा रहे हो. अफॉरेस्टेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये स्पीशीज जो है वो एलियन ना हो, है ना. आपको वही स्पीशीज लेकर के आनी है कि जो उस इकोसिस्टम का पार्ट हो, नहीं तो पता चला आप करने गए थे अच्छा काम और हो क्या गया. अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन आया था जिसको बोलते हैं, ये यूपीएससी पूछ चुका है, क्या होता है मियावाकी टेक्निक, अफॉरेस्टेशन की टेक्निक है ये, लास्ट ईयर ये पूछा हुआ है. क्या है टेक्निक, किसी को पता है? जैपनीज अफॉरेस्टेशन की टेक्निक है, इसके बारे में पढ़ लेना, इसको लिख लो अभी कहीं पे भी, इसको घर जाके पढ़ लेना कि ये क्या टेक्निक है. विच कैन बी यूज एनीवेयर, आप कहीं पे भी रिकमेंडेशन में लाएंगे, लाइक दिल्ली में फॉरेस्ट की कमी है, वी कैन यूज मियावाकी टेक्निक, और हम दिल्ली में अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. इससे क्या है, फॉरेस्ट बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, ऐसी टेक्निक है. कुछ ही समय में बहुत छोटे छोटे हम फॉरेस्ट एरिया दिल्ली के अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, अर्बन हीट आइलैंड की प्रॉब्लम है. सो दिस टेक्निक कैन बी यूजफुल फॉर दिल्ली. ठीक है, मियावाकी टेक्निक. सो ब्लैक वेफल लाए काय के लिए थे, अच्छे काम के लिए, लेकिन इट बिकेम इनवेसिव इन द वेस्टर्न घाट. Next, goat wheat. It is the its origin is from America, distributed throughout India. ठीक है. Prickly poppy. ये तो बहुत बार देखा होगा, है ना? बहुत जगह दिख जाता है. It also acts as an aggressive colonizer. कहाँ पे मिलता है? पढ़ लो एक बार, मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ. हाँ क्या हुआ? बोलो भाई. बोलो. कोई डाउट है क्या? नहीं, चलिए. ऐसे ही टच मी नॉट प्लांट, सबने नाम सुना होगा इसका. कहां का नेटिव है? ब्राजील का है. ठीक है, जैसे ही हाथ लगाएंगे तो वो है ना. इसके बाद फोर ओ क्लॉक प्लांट, ये भी देखा होगा बहुत जगह. ठीक है, अबे बहुत सारे तो ऐसे प्लांट है जो आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है कि ये तो बढ़िया अच्छा प्लांट है यार, इसको घर पे लेके जाके गार्डन में लगाएंगे, और बाद में पता चलता है कि ये तो लाइक बोगनवेलिया. बोगनवेलिया को इसमें लिया नहीं है, ये प्लांट आपने बहुत जगह देखा होगा. बोगनवेलिया बहुत जगह अच्छे फूल आते हैं, बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं इसके, है ना, हर टाइप के, वाइट भी हैं, येलो भी हैं, रेड भी हैं, सब हैं. लेकिन नाउ वो रेडी है बिल्कुल कि मैं इन्वेसिव हो जाऊं, क्योंकि कहीं पे भी उग जाता है. हाईवेज पे जाएंगे तो वहां पे जो हाईवे पे जो बीच में डिवाइडर रहता है, वहां जो प्लांट लगे हैं, दिस इज द ओनली प्लांट विच इज सर्वाइविंग, और वो कौन है? बोगनवेलिया. वहां कौन पानी दे रहा है उसको? कोई नहीं. बट इट इज हैविंग इकोलॉजिकल रेजिलियंस. बोगनवेलिया चाहो तो नाम लिख लो. अरे क्या हुआ यार, बोलो ना, मतलब कोई डाउट है क्या? क्या आरती? यस सो कैन यू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश सर? ओके. यस आई विल मैं भूल गया था. ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश. ओके, ब्लैक मिमोसा, ओरिजिन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट रीजन. It invades water course and seasonally flooded wetland. Okay, ये भी आपने देखा होगा. ठीक है, okay. So there are some conventions regarding alien invasive species. कौन कौन सा है? First, United Nations Convention on Biodiversity, 1992. Three conventions were signed in the Earth Conference or Rio Earth Summit. Rio Earth Summit
First one was UNF CCC. Second one was UNCCD. And third one was Convention on Biodiversity. Yes, three major convention. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNF CCC, United Nations Convention on Combat Desertification, and third one was Convention on Biological Diversity. So first convention with respect to alien species is UNCBD. Second, Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, which was recently signed. It has been agreed under the United Nations Convention on Biological Diversity, aims to reduce the rate of introduction and establishment of invasive alien species by at least 50% by 2030. Global Invasive Species Program, GISP, which was also started. Okay? This three program. Then fourth, Invasive Species Specialist Group. Okay, this is the part of IUCN. Okay, policy experts on invasive species organized under the auspices of Species Survival Commission of IUCN, which is also working to control invasive alien species. Then International Plant Protection Convention. It is the intergovernmental treaty that aims to protect the world's plant agriculture products and natural resources from the plant pest. One of the objectives to mitigate the introduction and spread of invasive alien species. So these are the five international convention or treaty which are working to control invasive alien species. Okay, again revise kar lijiye. First, United Nations Convention on Biological Diversity. Second, Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, which aims to reduce introduction of invasive alien species by 50%. Yes, by 2013. Third, Global Invasive Species Program. Fourth, Invasive Species Specialist Group. And last, International Plant Protection Convention. Apart from that, there are some of the measures taken by Indian government as well to control the introduction of invasive alien species. First, Biological Diversity Act. First, second, National Action Plan on Invasive Alien Species of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Third, the National Invasive Species Information Center. Fourth, Himalayan Environmental Foundation. And fifth, the Center for Wildlife Studies. So I hope it is clear what is invasive alien species. We have discussed almost everything about invasive alien species. What are the characteristics? Please, bataiye. What are the characteristic? It is non-native, higher reproduction rate, outcompete the other native species, ecological resilience, and lack of predator. These are the five characteristics. Okay, some of the examples like Prosopis julifora, Lantana camara, touch me not plant, Foro cloak plant, water hyacinth. Okay, more? Yes? Bougainvillea. Yes. Okay, these are along with the charu mussels. Okay, from where we started our discussion. What are the international conventions regarding invasive alien species? First, UNCBD, Convention on Biological Diversity. First, second, Kunming Montreal Protocol, aims to reduce 50% by 2030. Third, batao? Yes, Invasive Species Specialist Group of IUCN. Yes, teen kafi hain. Theek hai. चौथा मुझे याद नहीं हुआ. ठीक है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट टुक सर्टेन एक्शंस और स्टार्टेड सर्टेन इनिशिएटिव टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एलियन इनवेसिव स्पीशीज सच एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल एक्शन प्लान ऑन इनवेसिव एलियन स्पीशीज, नेशनल इनवेसिव स्पीशीज इंफॉर्मेशन. ठीक है, दो दो तीन तीन भी याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा.
ठीक है, दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट टॉपिक, बेलास्ट वाटर, इनवेसिव एलियन स्पीशीज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. ओके, एनी डाउट? नो. सेकेंड टॉपिक ये नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे, मेगा क्विक वार्निंग. सेकेंड टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ओके, ये क्या होता है पहले इसको समझ लो. क्यों न्यूज में था? फर्स्ट थिंग, व्हाई इट वाज इन द न्यूज? बिकॉज बिलियनियर एंटरप्रेन्योर Elon Musk hosted former US President and Republican presidential candidate Donald Trump on his social media platform X on Monday evening for a live audio interview. However, their conversation started after 40 minutes delay and witnessed several glitches. This happened due to the what appeared to be the massive DDoS attack said by Elon Musk. DDoS attack. Now, what is DDoS attack? This is the hacker who is hacking many of the computers and he is converting. First, he is hacking all those computers. And suppose this is the website. Now, all those computers, ye teen nahi hai, bahut saare hain, dheron hain. Okay, now all those computers are sending a request to this particular website. Suppose इसको ऐसे समझो, यूपीएससी वेबसाइट जो कि हर बार चलती नहीं है, जब भी आप लास्ट डे फॉर्म डालने जाओगे तो यही होगा, है ना? ये देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ दिस वेबसाइट टू प्रोसेस 2500 एप्लीकेशन एट एनी टाइम. ओके, 2500 एप्लीकेशन वो एक टाइम पे प्रोसीड कर सकता है. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ यूपीएससी वेबसाइट. नाउ व्हाट विल हैपन इफ 50,000 एप्लीकेशंस और 50,000 एप्लीकेंट्स आर साइमल्टेनियसली अप्लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट? व्हाट विल हैपन? क्रैश हो जाएगी. It is known as distribution denial of service attack. Although all those applicants are unintentionally trying to fill their form simultaneously, they are not the hackers. But what if the same request was made by some hacker who hacked all these computers, okay, thousands of computers, and now he is operating all those computers and making a request simultaneously to the website of UPSC. This is nothing but distribution denial of service attack. What will happen? Because of that, the genuine applicant will not be able to fill the form, or the genuine applicant or genuine user will not be receiving the services from this particular website. Concept clear hua? Very easy to understand, yes or no? जो capacity है उससे बाहर आपने capacity थी, what was the capacity? 2500. And now 50,000 applicants are simultaneously applying. The website will stop responding. And who will get impacted? The genuine user. And the genuine user will blame that particular website. It will lead to the damage, or we can say loss of prestige of this particular website. Yes or no? लोग कहेंगे ना यार यार UPSC की वेबसाइट बेकार है, नहीं भरना उससे फॉर्म. होता ही है, ठीक है? This is distribution denial of service attack. Is it clear? Simple? Okay. So now this particular hacker created zombie network, and now from zombie network he is attacking on a particular website, targeted website server. The targeted website server crashes, disconnecting from the internet. Meanwhile, they will plant their malwares, or they will plant their viruses in this particular website.
जितनी देर में ये सब हुआ उतनी देर में उन्होंने क्या किया, malware and viruses will be planted in this particular system or in any of the particular website. This is the motive of distribution denial of service attack. DDoS means distribution denial of service attack, and it is a cyber crime in which attacker flooded a server with the internet traffic to prevent the user from accessing the connected online service and the sites. Motivation for carrying out DDoS vary widely, as do the types of individual and organization eager to perpetrate this form of cyber attack. Some attacks are carried out by disgruntled individual and the hacktivist wanting to take down a company's server simply to make the statement. Ye bhi to hota hai na? Yes, because the interview was hacked, or we can say this particular interview was delayed because of the some of the Democrats or the supporters of the Democrats. They did not want that Donald Trump and Elon Musk have a live conversation. Yes or no? So probably it was the work of supporters of the Democrats. So they want to make a statement, have fun by exploiting cyber weakness and express disapproval. Other denial of service attacks are financially motivated, such as competitor disrupting. Ye bhi to ho hi sakta hai na? That competitor disrupting any of the website and they are promoting their own website. Okay. Shutting down another business online, operation to steal business away in the meantime. Other involves extortion, in which perpetrator attack a company and install ransomware on their servers. Then force them to pay a large financial sum for the damage to be reversed. In any of the next class, we will discuss what is ransomware. Okay? Because it is a different topic. So whenever it will be in the news, we will discuss that also. Okay? आज सिर्फ DDoS तक ही अपना डिस्कशन रखते हैं, ठीक है? Now, distributed denial of service attacks and denial of service attack. These are two different category. Look, only one person is hacking one computer and this is leading to the crashing of the server, which is known as denial of service. But distributed means he is hacking multiple computers and multiple requests are made, which is distributed denial of service attack. Okay, so these are the bots, malware, spams, DDoS. Ho gaya. Any doubt in this? DOS and DDoS. Koi doubt nahi hai isme? Pakka clear ho gaya? Chaliye. This is the second topic. Now, third topic. Now, this particular topic is also relevant for prelims, not for the mains. Okay? Third topic is this. Isme time lagega. Now, okay. So, next thing was in the news, that is SSLV, a small satellite launch vehicle. What is launch vehicle? First question is, what is launch vehicle? This is relevant for mains as well as for pre. Okay? And we will discuss launch vehicle technology. Okay? Pura khatam isko aaj kar denge. Theek hai? Ek ghante ka time hai humare paas. Bataiye. It carries all the satellites, basically. Not only Earth observation satellite, but all types of satellite from Earth to space or in whatever orbit they intended to place that particular satellite. Yes? So, first thing, we will discuss that thing later on. First, we should discuss what is space technology. Okay. Space technology, 5 to 6 things which are necessary to understand. In which first thing is launch vehicles.
How many type of launch vehicles that we have in India? First, SLV, first generation. Then ASLV, second generation. Then PSLV, third generation. Then GSLV, fourth generation. Okay. And now SSLV, small satellite launch vehicle. We will discuss that. Second thing, satellite technology. Satellites can be communication satellite, like give examples. Communication satellite, huh? GPS navigation satellite mein aayega. Yes, INSAT communication satellite, IRSS Indian Remote Sensing Satellite. Some of the navigation satellite like GPS. So satellite can be any of these type. Then astronomy. What if the intention behind any of the space mission is not to place any of the satellite in the orbit, rather than to send any spacecraft in the space, or like Aditya L1 that we discussed last time. So not to send the satellite in any orbit, rather than to place a particular spacecraft or payload in the space or in any of the heavenly body like Chandrayaan. Yes or no? So astronomical satellite like Chandrayaan, Chandrayaan 2, mission on Mars, Gaganyaan, we will be sending manned mission. Yes or no? That will be known as Gaganyaan. And we are also preparing for Shukrayaan as well. Then orbits. There are many types of orbits, such as geostationary orbit, geosynchronous orbit, sun synchronous orbit. Okay. Apart from that, on the basis of height of those orbits, some of the orbits are high Earth orbit and low Earth orbit. Okay, if time permits, then we will discuss these aspects as well. Hai na? But first thing, we will discuss launch vehicle. Apart from that, transponders, those payloads which are placed in those satellites are known as transponders. Like the main task of the transponders are sending and receiving the signals. Yes, whenever any of the signal which has been sent from the Earth station, that has been received by that transponder, and that will be sent by transponder from the space to the next Earth station. Okay, transponder. Then rockets and jet engines. What is the difference between rocket and jet engines? Science and tech class hui kya? Abhi? Nahi hui? Theek hai. Time milega to usko bhi hum dekh lenge. Jet engine ka ek aur part hai yahan pe, cryogenic technology and other technologies. So this is your whole syllabus of space technology, which is mentioned in GS. आपका जो पेपर है प्रीलिम्स का वन में, एंड द सेम सिलेबस इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द मेंस आल्सो. आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं लॉन्च व्हीकल, फिर कोई और टेक्नोलॉजी न्यूज में होगी तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे. दीज आर द लॉन्च व्हीकल्स. ओके, वी स्टार्टेड फ्रॉम SLV, देन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन augmented satellite launch vehicle. SLV-3 means third flight was successful. Okay, earlier two flights failed, third flight was successful, that is why it is SLV-3. Then ASLV means augmented satellite launch vehicle. Then PSLV, which is kya hai iska, huh? Then GSLV and GSLV MK3. Okay, these are some basic information that you should remember. क्या क्या है? चलो मैं बता देता हूँ इसको अच्छे से. ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हेडिंग डालिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. एक बड़े से पेज में हेडिंग डालिए SLV,
Then ASLV. Then Polar Synchronized Launch Vehicle. Then GSLV.
ओके उल्टा लिख दिया क्या? फर्स्ट एंड थर्ड सॉलिड, फर्स्ट थर्ड सॉलिड, सेकंड फोर्थ लिक्विड, सही तो है? यस था ना, सही है सही है। यहां दिख रहा है ये, यहां लिखूंगा मैं, दिखेगा नहीं ना, चलो ठीक है अभी ये लिख लो पहले। GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। Done with this? Yes? Everyone? थोड़ा हटाऊं इसको? This is the most reliable launch vehicle of ISRO. ठीक है? It is also known as workhorse of ISRO. हो गया? थोड़ा सा हटा के, इसके तीन वर्जन है, आपने सुना होगा PSLV-C30. Yes? PSLV-XS ऐसे करके, वो क्या है वो भी देख लो। थ्री वर्जन्स ऑफ PSLV, फर्स्ट PSLV-C, सी मीन्स कोर, दिस वन, देन PSLV-S, then PSLV-XL, solid fuel straps, straps are like this, ये जो है ना, these are the straps to have extra thrust, and XL means 6 boosters straps on. Similarly, GSLV also has 3 versions. GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, and GSLV Mark 3. 4 straps on liquid boosters. 4 straps on liquid booster in Mark 1. Similarly in Mark 2 and in Mark 3, 2 heavier boosters. Two heavier boosters. So 3 versions of PSLV, they are not in use right now. SLV and ASLV. Why? Because these are outdated technologies. Not having that much capacity, only 40 kg. That too in low Earth orbit. Low Earth orbit means 400 kilometer. So, not having that much capacity, that was the starting point of ISRO. And ISRO made incremental growth in development of indigenous technology. Yes, this is the success story of ISRO, we can say. That is started with SLV. After 2 failed test flights, SLV-3 became successful in placing Rohini satellite in 1980. That was the starting point. And then it reached to the ASLV. It started with all 4 solid stages. Solid stages means solid fuels. Okay? But solid fuel
only placing 40 kg satellite in the low Earth orbit. Then it augmented. Augmented means another fifth stage was added. But the point is, because of the solid fuel, the weight of this particular launch vehicle became very high. And but the point is, capacity reached up to 150 kg, which is still small. Okay, so these two technologies are outdated. These two SLV and ASLV are not in the use. So फिर क्या हुआ? ISRO developed its workhorse, which is known as PSLV. Okay, PSLV, first solid stage, then liquid stage, then solid stage, then liquid stage. Now, what are the benefits of having solid and liquid stages? The result is in front of you. That is 750 kg in geo transfer orbit. And we are making, or ISRO is making, many of the versions of PSLV by adding on straps on or many of the boosters. Yes or no? And this became workhorse of ISRO. High success rate in placing many of the satellites, not only the satellite of India, but many of the countries. ISRO is placing their satellite in whatever the orbit they are intend to place their satellite. Yes or no? Okay. Now, the question is, what is the difference between solid fuel and liquid fuel? Why ISRO experimented with these types of fuel? Yahi hai na question? What is the difference? To reduce the weight is the first thing. Okay. Second. Yes. Solid fuel bahut jaldi jal jata hai. Okay. So initial stage, solid fuels. So first stage is always solid fuel. Why? Because that launch vehicle requires huge thrust, because it has to overcome the gravity of the Earth. Yes. So first stage will always be the solid stage. But the point is, what about liquid stage? Liquid fuel burns slowly. So in the maneuvering, when that particular launch vehicle will move out of the gravitational or gravity field of the Earth, then it does not require that much of thrust. Rather, it requires continuation of the burning. Okay, in that stage, liquid fuel will be useful. Yes or no? But after a certain stage, maneuvering will be required. Ye maneuvering kya hai? We will be discussing in some other classes. Okay? I will discuss that particular thing in detail. What is maneuvering? Abhi sirf itna samajh lijiye that maneuvering is something. Okay? Maneuvering is required. In that maneuvering, solid fuel, again, higher thrust is needed. And after that, liquid fuel. But that particular thing is replaced by cryogenic engine. What is cryogenic engine? We will discuss that. So these are the four satellite. Now you are having a rough idea. Yes or no? SLV, ASLV, PSLV and GSLV. Okay. First, write down some concepts. First, solid fuel. Solid fuel. Gives more thrust in the first stage. More thrust in the first stage. More thrust in the first stage. To lift and come out the gravitational force of the Earth. To lift and come out of the gravitational force of the Earth. Second, liquid fuel. Liquid fuel.
we can control the burning of liquid fuel. Control. Okay, so uncontrolled burning of solid fuel and controlled burning of liquid fuel, which is necessary for placing of satellite in any orbit. One more thing, I have written some HTPB or ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना? Some MMH, है ना? MMH, HTBP. Yes, these are the name of fuel, like monomethyl hydrazine mixed. No need to remember. Okay, ये fuel के नाम है. आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. Okay. Next, कुछ फैक्ट रट लेते हैं इसके, लाइक एसएलवी, ऑल सॉलिड लो अर्थ ऑर्बिट, वी हैव डिस्कस्ड. क्या हुआ? देन एएसएलवी 150 केजी, ऑल सॉलिड लो अर्थ ऑर्बिट. पीएसएलवी 1860 केजी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रैप्स ऑन दैट 1750 जो केजी था, विच कैन बी इंक्रीज्ड वाया सॉलिड बूस्टर्स. ओके, प्रोपल्शन सिस्टम सॉलिड एंड लिक्विड, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट. देन जीएसएलवी MK1, जीएसएलवी MK3 दैट वी हैव रिटन हियर, जीएसएलवी MK3 इज अंडर testing condition right now. Okay, so GSLV MK 2200 kg payload mass, propulsion system first stage solid, second stage liquid, and third stage is cryogenic. Okay, orbit geosynchronous transfer orbit. Then MK3 drastically increased. Kitna ho gaya? 4000 kg. Propulsion, solid, liquid, and cryogenic. Okay. Now, learn some more facts. India's first experimental satellite, which is SLV. All solid, four stage, SLV-3 was successfully launched from 1980. From Sriharikota range, when Rohini satellite RS-1 was placed in the orbit, thereby making India is the sixth member of the exclusive club of space faring nation. First experimental flight SLV-3. Okay. The successful culmination of SLV-3 project showed the way to the advanced launch vehicle projects such as augmented satellite launch vehicle, polar satellite launch vehicle, and geosynchronous satellite launch vehicle. Then ASLV augmented the capacity of the earlier satellite, that is SLV, up to 150 kg. Experience gained from SLV-3 mission, ASLV proved to be a low-cost intermediate vehicle to demonstrate and validate the critical technology that would be needed for the future launch vehicle, like strap-on technology, inertial navigation technology, many technology which cannot be discussed in this class itself. Whenever they are in the news, we will discuss those things. With a lift weight of 40 tons, the 24-meter tall ASLV was configured as a 5-stage, all-solid propellant with the mission of orbiting 150-kilogram class satellite into 400-kilometer circular orbit. Then, PSLV, this is the first generation SLV, second generation ASLV, third generation PSLV. First Indian satellite launch vehicle equipping with the liquid stage. After the first successful launch in 1994, PSLV emerged as the reliable, versatile workhorse launch vehicle of India. The vehicle has launched numerous Indian and foreign customer satellites. Beside, the vehicle successfully launched two spacecraft, that is Chandrayaan. So, PSLV used for astronomy as well. Not only for the satellite, it has been used for astronomy. Mars orbit
spacecraft in 2013 that later traveled to the moon and Mars respectively. Then PSLV C-48. Now, it is very clear for you. PSLV C. C means core. और कोर का भी क्या होगा? 48th लॉन्च होगा. सिंपल. यही है. PSLV C. C means core. We have discussed. And 48 means 48th launch of the PSLV C. Okay. 58th launch of PSLV. ये 48 होना चाहिए ना? कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया इसने तो. होगा कुछ. Due to its unmatched reliability, PSLV has been also used to launch various satellites into geosynchronous and geostationary orbit, like satellite from the IRNSS constellation. IRNSS kya hai? Indian Regional Navigation Satellite System, Indian GPS. Pata hai ki nahi iske bare mein? Hamara apna bhi GPS hai, although hum usko use karte nahi hai. But we have our own GPS. Yes? Kabhi news mein rahega to usko dekhenge. Pooch chuka hai UPSC iske bare mein question. PSLV is capable of placing multiple payload in orbit. Theek hai. Ye ho gaya apna complete. Then, these are the variants. PSLV ke. Theek hai? Humne to wahan pe shayad teen hi kiye hai na? Discuss. Ye ISRO ki site se liya hai. PSLV, then CA, then XL, then HP aur pata nahi kya kya. Geosynchronous satellite launch vehicle. So, communication satellite in geo transfer orbit, cryogenic third stage, ye sara ho gaya. Initially, Russian GK supplied cryogenic stage were used. Later, cryogenic stage was indigenously developed and induced in the January 2014 from GSLV D5 onwards. Operational fourth generation launch vehicle. Theek hai? Three stage, first stage solid, second liquid and third cryogenic. Okay. Then LMV. Okay. Launch vehicle Mark 3 is configured third stage with the two solid straps on booster, one liquid and third one is cryogenic. That was also in the news. Kiska variant hai ye? GSLV ka hi variant hai. Okay. Launch vehicle Mark 3 means GSLV Mark 3. Cryogenic upper stage. ठीक है, 4000 kg spacecraft launching capability to the GTO. Okay? Then, reusable launch vehicle technology demonstrator. That was also in the news. Launch vehicles are two type. One are expandable, second one are reusable. Expandable means? What are expandable? Rocket छोड़ा. Which cannot be used for the second time. Wo gaya. Reusable means, uske parts wapas se le aayenge. Okay. Why reusable launch vehicle technology is very useful? Why IRLV become very important? Reason. To send manned space mission. आप किसी को भेज रहे हो स्पेस में तो उसको वापस भी तो लाना पड़ेगा ना. कैसे लेके आओगे? हाँ आता है ना. बट वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी. यस ऑर नो? वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी. सो इफ इंडिया वॉन्ट्स टू सेंड मैंड स्पेस मिशन देन we have to develop our own indigenous technology. And this is the first stage to demonstrate that we are also capable of sending manned mission. That is Gaganyaan. Gaganyaan? Yes or no? So, that technology demonstrator was demonstrated. Although many of the technologies are yet to be developed. And we are taking help of Russia as well of NASA. Yes or no? So, you can write two things. One is, write down. Launch vehicles are of two types. Launch vehicles are of two types. One is expandable.
launch vehicles are of two type. One is expandable. Second one is relaunched, usable, or can be reused. RLV is necessary. RLV technology is necessary to send manned space mission. Necessary to send manned space mission. Manned space mission. India became the fourth country to demonstrate. What are other three countries? NASA, Roscosmos and China. Yes. Wo country nahi hai na? SpaceX is the private entity. Yes. Fourth country to demonstrate this technology. To demonstrate this technology. To demonstrate this technology. Okay. So, basically, launch vehicle can be of two types. One is expandable and other one is reusable launch vehicle. Now, reusable launch vehicle can be of two type. One is manned mission and another one is unmanned. Kutto ko bhej do. Yes, for experiment purpose. Waise bhi stray dogs bahut ho gaye. Yes, so it can be manned mission as well as unmanned mission. Yes, likh lo, ye bhi kaam ka hai. Manned mission and unmanned mission. So our manned mission will be Gaganyaan. Yes. In which we will send Vyomnauts. We are saying that these are not astronauts. These are Vyomnauts. Hai na? Not astronauts. Rather, Vyomnauts. Thick. So this is RLVTD. Is one of the most technologically challenging endeavor of ISRO towards developing essential technology for fully reusable launch vehicle to enable low cost access to the space. Why low cost? Because the same parts can be reused again. Low cost ho jayega. So ISRO will be more efficient. Then ISRO will be having more customers throughout the world. Everyone will be coming to the ISRO for this particular technology. Ya to unko technology chahiye hogi ya fir unko satellite launch karwana hoga. Yes, so via this technology ISRO can compete with the NASA, we can say. This is our aspiration, hai na? Aspiration Pakistan ki space agency se to hoga nahi unse compete karna. Yes, halanki unki shayad space agency hi nahi hai, aisa bhi kuch hai. The configuration of RLVTD is similar to that of aircraft, combines with the complexity of both launch vehicle and aircraft. Now the question is, what is the difference between launch vehicle and aircraft? Dono mein kya farak hota hai? No idea. हाँ? नहीं है, जा करके सर्च करना. जब भी ये नेक्स्ट टाइम पे होगा तो ये डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. जेट इंजन्स बताना है मुझे क्लास में. जब भी ये न्यूज में आएगा देन वी विल डिस्कस दैट. आपने नाम सुना होगा जेट इंजन इन एरोप्लेन्स. टर्बोजेट्स आर देयर. सो टर्बोजेट्स, जेट इंजन्स, देन रैमजेट इंजन, then scramjet engine. So we will discuss all those types of jets in that class. Hai na? Aaj time bhi nahi hai. Waise bhi 15 minute pehle khatam karni hai aaj ki class. Okay? So we will discuss all those technology in that class. Turbojet, ramjet, scramjet. Theek hai? Abhi ja ke padh lena kya hai ye.
The winged ILV-TD has been configured to act as a flying test bed to evaluate various technologies, namely hypersonic flight, autonomous landing, and powered cruise flight. In future, this vehicle will be scaled up to become the first stage of India's reusable two-stage orbital launch vehicle. ILV-TD consists of fusible a nose cap. Okay. So, these are all types of launch vehicle. We started from SLV, then augmented, then PSLV, then GSLV. GSLV, MK2, MK1, MK2, MK3. And now, ILV-TD, Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator. Why it is necessary, we have discussed that. Okay. But now, what is this? SSLV. It is Small Satellite Launch Vehicle. It is a new type of satellite launch vehicle of India, capable of launching mini, micro, nano satellite. Small satellite, like 10 to 500 kg of satellite into low Earth orbit. Yes or no? So, the main objective of a small satellite launch vehicle is to reduce the cost of launching small, micro or nano satellite in low Earth orbit, because we can use PSLV for the heavier satellite, and that can be used to place satellite into higher Earth orbit. But now the orbit is very lower and mass is very low, so PSLV is not cost effective. But many of the universities are having their own satellite. Many of the research institutions are having their own satellite. Yes, they are the potential customers, and they are taking help of like SpaceX and other companies to launch their satellite. So ISRO was losing their potential customer. Yes or no? So they developed a new technology, which is known as SSLV. That is a small satellite launch vehicle, which will be used to launch these satellite, small satellite into low Earth orbit. It is a three-stage launch vehicle, all solid. No need to have liquid fuel. Liquid fuel is costly. Okay, aapko low Earth orbit mein place karna hai, so solid fuel will be enough. So again, that SLV technology came back into the picture. Yes or no? So as a three stage, all solid propulsion stage, liquid propulsion based velocity trimming module as a terminal stage. Design driver of SSLV are low cost, low turnaround time. Ye iske positive hai. Low cost. Why low cost? As compared to PSLV, low cost hoga because we want to cater new customers like universities, research institution. Low turn around time, chota sa vehicle hai, jaldi se setup ho jayega. Yes, flexibility in accommodating multiple satellites. Launch on demand facility, jaise hi bola uske ek do din ka time denge. Launch vehicle tayyar hai. Minimal launch infrastructure requirement. SSLV D3 is the third developmental flight of the SSLV. Okay. So this is our SSLV D3. Okay. So we discussed all type of launch vehicles. Is there any doubt? No doubt. Launch vehicles are of two type on the basis of their reusability. One is expandable, that cannot be reused again. Another one is reusable. And we demonstrated that technology. Although that technology is still not in the use, in future, ISRO will be launching all of its satellite via RLV. Okay? That RLV can be of two type again, manned and unmanned. RLV is necessary for manned mission. Five types of vehicle: SLV, ASLV, PSLV, GSLV and SSLV. Is there any doubt? We have 10 minutes. Yes, 14 minutes. So we can discuss one more topic which is related to this. Write down.
टाइप्स ऑफ, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे. So we completed launch vehicle. Now satellite technologies. Satellite technology. First, communication. Communication satellites. I think now you got the idea how current affairs are covered. This is the way you should approach all of the current affairs. Whatever you are reading, you should read it in this manner. Okay? Because current affairs having very less weightage, either in terms of prelims or mains, they are asking contextual current affair. They will ask the entire context. So, akela, you cannot expect any of the question related to SSLV alone. They will ask many more things related to launch vehicle. Yes or no? So, this is how you should read all the news items which are important and approach any of that topic related to your GS. Uske peeche ka pura concept pata hona chahiye phir. Okay? So, you should prepare current affair in this manner. जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो तो मैं करवा ही दूंगा, बाकी हफ्ते भर में बहुत सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, है ना, तो वो आपको करना है. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, फर्स्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एस इनसेट, सच एस इनसेट. सेकेंड कल्पना, इनसेट. सेकेंड कल्पना. थर्ड वी सेट फॉर टेली एजुकेशन. ऑल दीज आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट. टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. वन क्वेश्चन दैट सर सन सिंक्रोनस व्हीकल मींस, व्हाट इट मींस बताओ. ये डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में देंगे जब भी ये न्यूज में रहेगा, बिकॉज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स लाइक जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस, पोलार सिंक्रोनस, आपने नाम सुना होगा ना इन सब का. वी विल डिस्कस ऑल दोज ऑर्बिट्स इन द नेक्स्ट क्लास, या जब भी ये न्यूज में रहेंगे तब पढ़ेंगे. अभी मैं नहीं बताऊंगा ये चीज, क्योंकि एक हो जाएगा फिर जियो स्टेशनरी रह जाएगा, फिर जियो सिंक्रोनस रह जाएगा, फिर पोलार सिंक्रोनस रह जाएगा. तो वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन द सिंगल क्लास. ओके, नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. क्या लुक, दीज आर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, आपको पढ़ना तो है ही, आप इससे बच नहीं पाओगे यार. साइंस एंड टेक के, और आज तो शायद हमने एक ही लिया है टॉपिक साइंस एंड टेक का, यही वाला. वन टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंट, वन टॉपिक फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, देयर इज ओनली वन टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड टेक. अब एक तो लेना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो है यार, उसको कुछ कर नहीं सकते. देखिए नेक्स्ट, so communication technology or communication satellites are like INSAT, telemedicine, tele-education, disaster management, search and rescue operation. All those satellites are communication satellites. Second type of satellite technology is IRSS, Indian Remote Sensing Satellite.
Indian Remote Sensing Satellite. They are also known as Earth Observation Satellite. IRSS are also known as Earth Observation Satellite. So basically, that was in the news, SSLV, because it launched. क्या ये? Earth Observation Satellite 08 mission. Okay? Earth Observation Satellite. So IRSS are also known as Earth Observation Satellite. Write down some examples like Cartosat. It is used in cartography. OceanSat, which is used in oceanography. OceanSat in oceanography. Next, ResourceSat. Management of land, forest, water, and other resources. Okay. Next, meteorological satellite. जो भी meteorological warning आती है, किसका यूज होता है? IRSS का. Meteorological satellite. Meteorological satellite. Next, IRSS system is the largest. IRSS system is the largest group of satellite dedicated towards civilian use. And the last is navigation satellite. What is the example of navigation satellite? GPS of US. GLONASS of Russia. GLONASS किसका है? Russia का ही है. Okay. और कौन कौन से हैं? एक हमारा है IRNSS, that is Indian Regional Navigation Satellite System. Okay. जिसको हम NAVIC भी बोलते हैं. NAVIC. ये इंडिया का है. So basically three types of satellite. One is communication, one is remote sensing, and another one is navigation. You can see the difference in communication satellite technology. Some of them are used in disaster management. Yes, search and rescue operation. Some of them are used in meteorological warning, resource management. Yes or no? OceanSat, that is oceanography. We can use OceanSat to find out oceanic, sea surface temperature is one of the climate change warning. So OceanSat can be used. Okay. Other oceanic resources like depletion of fish resources, that can be easily find out via OceanSat. So basically we completed launch vehicle technology, satellite technologies and their uses. Remaining will be covered जब भी ये news में रहेंगे. Okay. Thank you so much. I hope science and tech का dose ज्यादा नहीं है. Okay. लेकिन एक topic तो लेना पड़ेगा. Okay. ठीक है. Thank you.